डीएन हरियाणा नंबर वन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इस समय मौजूद हैं जुलाना के महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क में। आप साफ देख सकते हैं भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के द्वारा आज भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह में आस पड़ोस से काफ़ी संख्या में महिलाएँ पहुँची। इसके अलावा भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के सभी साथियों ने इस समारोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के दो पूर्व अध्यक्ष सचिव व वर्तमान अध्यक्ष व शाखा के संरक्षक शास्त्री जी ने भगवान परशुराम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। पूरे देश में देशवासियों के द्वारा धूमधाम से भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। जुलाना का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, ये जुलाना के महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क का दृश्य है। देख सकते हैं भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के पूर्व अध्यक्ष सतीश टाक थे जो यहाँ पर इस समारोह में रोहतक से पहुँचे हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं सुनील शर्मा और जो इसमें महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क में घूमने के लिए आए हैं, सभी के द्वारा यहाँ पर भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए गए। भारत विकास परिषद शाखा जुलाना द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शाखा जुलाना के अध्यक्ष व संरक्षक ने भगवान परशुराम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जो कि इस प्रकार है। आप सभी का स्वागत है। भारत विकास परिषद के सौजन्य से आज भगवान परशुराम जी महाराज की जयंती है। इस उपलक्ष्य में उनको उनके चरणों में दीप प्रज्वलित करते हुए सभी भगत जन, सभी महानुभाव, सभी भारत विकास परिषद के सदस्य, बच्चे और बूढ़े, सभी सारे राष्ट्र में, सारे भारत में वर्ष उल्लास के साथ बड़े आनंद से मनाया जा रहा है उनकी जयंती को। भगवान परशुराम जी साक्षात विष्णु भगवान के रूप थे। 5142 ईस्वी में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। वो सप्तऋषियों में गिने जाने वाले भृगु के प्रपौत्र थे, महाराज ऋचिक ऋषि के पौत्र थे और महाराज जमदग्नि के पुत्र थे। उनकी माँ का नाम रेणुका देवी। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार थे। 10 अवतार हुए भगवान विष्णु जी के और ये छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी का वैसे मूल नाम श्री राम है, राम जी कहते थे उनको, परशुराम जी की बजाय श्री राम जी नाम रखा था रेणुका माता ने। परंतु आने वाले समय में जब इनका परशु से प्यार हुआ, परशु का मतलब कुल्हाड़ी, क्योंकि भगवान परशुराम जी की तीनों गुणों के ओतप्रोत थे। सतोगुण भी उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था, रजोगुण भी कूट कूट कर भरा हुआ था और तमोगुण भी कूट कूट कर भरा हुआ था। वो तीनों यानी प्रभुत्व, ऋषित्व और पितृत्व, तीनों ही शास्त्र और शस्त्र पे उनके पूरा प्रभाव था। भगवान परशुराम जी ने शास्त्रों के अनुसार हमारी धरती पर जब हाई है दृष्ट नाम के अनेक अक्षत्रियों ने सभी भक्तों को, सभी जो भगवान को मानने वाले अनुयायी थे, अधर्म करने पर उतराए थे, तो 21 बार उनके वो हनन करके पृथ्वी से भीन कर दिया था। महाराज परशुराम जी साक्षात भगवान के अवतार थे और उनकी कलाएं जीवन में हमें ज्ञान, बुद्धि और विवेक को प्रदान करने वाली है। तो आइए अपने संस्कारों में अपने बच्चों को अवगत कराएं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। भगवान परशुराम जी के बारे में तो शास्त्री जी ने सारा कुछ बता ही दिया कि ये जमदग्नि जी की संतान थी और माता रेणुका जी के पुत्र थे। साक्षात भगवान विष्णु के छठे अवतार इनको माना जाता है और जैसा कि पुराणों के अनुसार कहा गया है कि इन्होंने
21 बार जो है पृथ्वी को अधर्मियों से मुक्त किया था। तो जो सीखने की बात इनके जीवन चरित्र से मिलती है वो यही है कि हमें अधर्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, और जो चुप रह के अधर्म को देखते रहते हैं उनको भी अधर्मों की श्रेणी में माना जाता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया।